विचार क्या है? क्या आप समझते हैं विचार क्या है? तो सोच पे कौन रोक लगाएगा? आप कुछ ही कुछ अंदर अंदर सोच रहे हो तो मेरे को क्या पता। तो विचार पे तो रोक लग नहीं सकती। एक आदमी में पता है कितने, आप गिन सकते हो कि आपके कितने विचार आते हैं? करीब करीब एक दिन में 60,000। आपको पता भी नहीं चलता इतनी स्पीड से दिमाग चल रहा है। ये तो कभी आप ध्यान करो तो आपको पता लगेगा, अच्छा विचार चल भी रहे। आपके अभी भी चल रहे हैं तो भी नहीं पता। विचारों का तूफान चलता रहता है, आवागमन है थॉट्स का। लेकिन समस्या थॉट्स के आवागमन नहीं है, विचार की समस्या नहीं है, समस्या इसकी है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति की ये स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक इंस्टीट्यूट का एक ऐड आया, क्वार्टर पेज ऐड आया, और उस क्वार्टर पेज ऐड पर लिखा हुआ था कि पिछली 4 वैकेंसीज में हर बार हमारे यहाँ से टॉपर, आरएस की 4 वैकेंसी का मतलब पिछले 10 साल में, और इंस्टीट्यूट खुले हुआ है साल भर। लेकिन हंसी की बात है ये, उसने अपने विचार, उसके दिमाग में आया कुछ भी बोलो और अभिव्यक्त कर दिया। एड पे भी कुछ देना अभिव्यक्ति है, लेकिन उस मूर्ख को नहीं पता कि काश ये बात लॉ स्टूडेंट को पता चल जाए तो चीटिंग की एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आपको पता है ये बात? क्या आप जानते हैं चीटिंग पढ़ा है आपने? ये चीटिंग है। वो भूल ही जाएंगे कि ये क्या पचड़ा पड़ गया, अच्छा एड डाला। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, एक लेक्चर से पढ़ाया था ना 415 में, कौन सा आईपीसी, मेरे से पढ़ी होगी आपने। क्या पढ़ाया था? एक आदमी नग खरीदने जाता है, पन्ना खरीदने जाता है, और दूसरा आदमी नकली पन्ने दिखा देता है, वो नहीं लेता, वापस आ जाता है, चीटिंग कंप्लीट हो गई। और आप झूठे पन्ने दिखा रहे हो अखबार में, झूठे पन्ने दिखा रहे हो, ये तुम चीटिंग कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, चीटिंग। तुम्हें ये नहीं पता तुम जेल चले जाओगे, तुमने करोड़ों कमा लिए हो तुम जेल चले जाओगे। वो तो कोई समझदार स्टूडेंट नहीं है, तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम जेल जाओगे। शिक्षक हो, थोड़ी बुद्धि रखो, ऐसे ऐड क्यों छापते हो, स्टूडेंट को चीट करते हो। वो बेचारा कहाँ जाने, क्या डिस्कवरी करेगा तुम्हारी कि तुम कुछ छाप रहे हो। एक मुझे लगता है बेचारे लगते हैं ये इंस्टीट्यूट वाले। एक इंस्टीट्यूट ने उसका कौन सा बाला है, बाला लिखता है, तो उसने क्या है अपना फोटो लगा रखा है और लिखा है IIT 15,000 प्लस सिलेक्शन, खींच के एक FIR पर्याप्त है। FIR दर्ज भी ना हो ना, कोर्ट में सीधे चला जाए, कॉग्निजेंस होगा। आपको ध्यान आ रही हो, मैं जब ADJ पढ़ाता था तब की बात है, तो 2-3 लोग जो हीरो हैं महाभारत में युधिष्ठिर बना था, और एक था रामायण में राम बना था, और दोनों ही अपनी अपनी पर्सनालिटी में ऊंचे बने। भाई महाभारत में देखा जाए तो सत्यवादी, जो सबसे ज्यादा सत्यवादी कोई व्यक्ति है तो महाभारत में कौन है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को क्या कहा, कोई दूसरा नाम भी था, धर्म राज। ऐसे ही अरुण गोविंद राम बना, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और दोनों ही क्या कर रहे थे ये। और एक और था, एक कर्ण बना, पैसे कमाने के लिए पता क्या कर रहे थे, अखबार टीवी पे ये आ रहे थे और टीवी पे पता क्या कर रहे थे, टीवी पे ये कर रहे थे। मैंने एक ऐड देखा, उस ऐड में इस कहता है कि देखो ये धर्मराज हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते, और इन्होंने धन वर्षा लक्ष्मी यंत्र खरीदा था, और देखो पैसे की बारिश होने लगी, और जाने कहां से एक सरपंच को लिया है बिहार का कि देखो हमारे गांव में धन वर्षा लक्ष्मी यंत्र हमारे गांव के वाले सबने खरीद लिया। They all are cheaters. इन्हें जेल ही नहीं भेजना चाहिए। इन्हें ऐसे, इनकी शकल को देख के लोग एक्ट प्ले नहीं, वो एक्ट ठीक है, वो अलग है, एक्ट अलग है, लेकिन तुम जो बेच रहे थे ये चीटिंग की कोटी में आता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने तब रघु जी जज नहीं बने थे, एडवोकेट ही थे, मैं रघु जी इनकी रिकॉर्डिंग करो, आप अच्छा कैमरा है इनकी रिकॉर्डिंग करो सबकी, इनको जेल भिजवाएंगे। और वो भिजवाए, सब जगह नोटिस वगैरह किए, सब बंद हो गए। अब आते हैं बेटा अखबार में ऐसे, अब ये कोई धनवर्षा लक्ष्मी यंत्र नहीं बेच रही है, कानून का बहुत दम है, ये सब चीटिंग कर रहे थे। इनको ये शर्म नहीं आई कि तुम इतने ऊंचे पात्र बने और तुम क्या कर रहे हो, लोगों को ठग रहे थे। तो क्या है, परिवर्तन आ रहा है।
तो ऐसा नहीं है तुम्हारा मन करे विचार आ गया और जो मन करोगे अभिव्यक्त करोगे, ऐसे विचार अभिव्यक्ति नहीं चलेगा, ऐसी विचार अभिव्यक्ति नहीं चलेगा। समस्या क्या है, देश पढ़ा लिखा नहीं है, कानूनी शिक्षा कंपलसरी कर दिया, लोगों को समझा के अच्छी लॉ पढ़ा दिया, इनके पीछे पड़ जाएंगे लोग, ये सब भूल जाएंगे इंस्टीट्यूट्स पर, झूठे ऐड करना, झूठा प्रचार करना, इतने रिजल्ट्स, अरे क्या कर रहे हो भाई, मेरे अभी कर रहा था वो, तो सर इतने लिख दे, क्यों लिख दे, नहीं लिखना, नहीं लिखना भाई, बोले सर ऐसे तो चलता रहता है, मैंने कहा चलता नहीं रहता, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है पहली बात, दूसरी बात ये अपराध है, अपराध की कोटि में आता है, चीटिंग की डेफिनेशन जिन लोगों ने पढ़ लिया है आईपीसी वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़िएगा, चीटिंग की कोटि में आता है। तो पहली आप कभी भूलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति जो है, विचार तो आपके जान कितने आते हैं, ऐसे कर ले वैसे कर ले, बहुत सारे लोगों के विचार आते हैं डाका डाल ले, कितने लोग विचारशील है दूसरे की जेब काट ले, अभी आपने देखा था राहुल जी को विचार ही तो किया उन्होंने कि भाई ये मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों है, यही बोला तो चक्कर पड़ गया, ये चक्कर पड़ गया। तो जो अभिव्यक्ति है ना, इन विचार अभिव्यक्ति पर 19 का जो क्लॉज 2 है जो उसमें चलते हैं तो उसमें रोक लगी हुई है, ऐसा नहीं तुम्हारा मन करे वो बोलो, ऐसा नहीं, 8 प्रकार की रोक है। और अभिव्यक्ति क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इफ यू आर saying something, making any cartoon, publishing any ad, ये सब आपकी अभिव्यक्ति में आती हैं, ये सब आपकी अभिव्यक्ति में आती हैं। ये स्वतंत्रताएं सिर्फ नागरिकों को है, नागरिकों को है। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी टाटा, और उन्होंने एक एड, उस एड में कुछ लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये राइट, ये फंडामेंटल राइट हमारा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा ना ये सिर्फ किसके लिए है, केवल सिटीजन्स के लिए है, नॉट फॉर पर्सन,